आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की याद में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर में मनाया गया विजय दिवस, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जाने वाले गोल्डन कार्ड की समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला। गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। अब अधिकारी पहुंचेंगे गांव-गांव। जनपद के 40 गांवों में लगाया गया पुलिस चौपाल, सुनी गई लोगों की फरियाद, समस्या का किया गया निस्तारण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाले जाम की समस्या के निजात संबंधित बैठक। औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाले वाहनों को विशेष सुविधा देने के दिए निर्देश। 18 से 20 दिसंबर तक जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित होगा नाबार्ड शरद मेला। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रोजेक्ट की लगेगी प्रदर्शनी, मिलेगा बाजार। एसपी सिटी सोनम कुमार ने राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर में लगाया पुलिस चौपाल, कहा अधिकतर मामले आए भूमि किरायेदारी के विवाद से संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट की टीम बनाकर निस्तारण के दिए गए निर्देश। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सभी बैंक कर्मचारियों ने किया 2 दिवसीय हड़ताल। बैंकों के निजीकरण करने का विरोध कर किया प्रदर्शन, निजीकरण पर रोक लगाने की मांग। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांट की समीक्षा बैठक। परफॉर्मेंस गांवों में जेएम पोर्टल के माध्यम से टेंडर निकालकर कार्यों को कराने के दिए निर्देश। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एसपी सिटी ने नगर के चौकी प्रभारियों के साथ इंदिरा बाल तिराहे पर किया मीटिंग। महानगर में ठेला लगाने वालों को ठेले के चौराहे से 2-2 फीट पीछे करने के दिए निर्देश। सीएमओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई पार्षदों की बैठक। कोविड वैक्सीनेशन के सहयोग की अपील, कहा जन प्रतिनिधियों के सहयोग से बढ़ेगा वैक्सीनेशन की रफ्तार। 18 दिसंबर को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में भव्य सामूहिक वंदे मातरम गायन व भारत माता की आरती का किया जाएगा आयोजन। महानगर के सभी विद्यालयों से निकाली जाएगी प्रभात फेरी व तिरंगा यात्रा, समिति के संयोजक ने दी जानकारी। कलेक्ट्रेट स्थित ई डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए कोविड कमांड सेंटर में किया जा रहा है सेकेंड डोज से वंचित लोगों से फोन पर संपर्क। विदेशी यात्रियों और गोल्डन कार्ड की भी की जा रही है मॉनिटरिंग। 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांत अधिवेशन। 16 जिले में 750 से अधिक प्रतिनिधि बनेंगे अधिवेशन का हिस्सा, परिषद की प्रांत अध्यक्ष ने दी जानकारी। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 344 केंद्रों पर 29,767 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,524 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 20,243 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला व खेल महोत्सव के तत्वावधान में निकाला गया मशाल जुलूस, क्रांतिकारी तिरंगा मार्च, देश के अमर शहीदों को किया गया याद। और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वच्छता ग्रही संघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग।